बिहार कांग्रेस आक्रामक मूड में है क्योंकि फोन टैपिंग जासूस कांड को लेकर के अब मामला तूल पकड़ रहा है। एक तरफ आपको दिखाएं, बिहार कांग्रेस जो है वो लगातार प्रदर्शन कर रहा है और आज राज्यपाल को एक ज्ञापन सौंपने की बात की गई है जिसमें नेताओं की जो जासूसी हो रही है जैसा कि विपक्ष का आरोप है उसको लेकर के आज देखिए राजभवन मार्च का कार्यक्रम रखा गया था और सीधे तौर पर बिहार प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन झा मौजूद थे, लेकिन पटना पुलिस यानी प्रशासन देखिए पूरी तरह से यहाँ पर रोक दिया गया है। ये सीधे तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, यहाँ पर पुलिस की बैरिकेटिंग और पुलिस के द्वारा यहाँ पर तमाम जो नेता है कार्यकर्ता उनको रोका जा रहा है और साफ तौर पे आपको दिखा रहे हैं मदन मोहन झा सीधे तौर पर जो कार्यकर्ता है जो नेता है उनको यहाँ पर पटना पुलिस के द्वारा रोक दिया गया। राजभवन मार्च की बात की गई थी और कहा गया था कि आज फोन टैपिंग जासूसी कांड को लेकर के रोका जाएगा, माफ़ कीजिएगा, फोन टैपिंग जासूसी कांड को लेकर के जो है रोका जाएगा यहाँ पर और पटना पुलिस ने राजभवन मार्च को यहीं पर रोक दिया है। कांग्रेस के ये तमाम जो नेता और कार्यकर्ता थे आज राज्यपाल को ज्ञापन सौंपने की बात की गई थी, लेकिन अब जो है यहीं पर इनको रोका गया है सीधे तौर पर। देख सकते हैं किस तरह से ये सीधे तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर फोन टैपिंग जासूसी कांड को लेकर के राजभवन मार्च जो था कांग्रेस का उसको देखिए किस तरह से हम तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर पटना पुलिस के द्वारा रोका जा रहा है, हालांकि आपको बता दें कि परमिशन की बात कहा गया है कि परमिशन नहीं लिया गया मिलने का राज्यपाल से, इसके कारण यहीं पर पटना पुलिस के द्वारा जो तमाम कांग्रेस के नेता और बिहार प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन झा के नेतृत्व में आज एक डेलीगेट मिलने वाला था राजभवन जा करके राज्यपाल से जो ज्ञापन की बात की गई थी वो राष्ट्रपति तक पहुंचाने की बात थी, लेकिन यहां पर पटना पुलिस के द्वारा सीधे तौर पर कांग्रेस के तमाम विधायकों को रोका जा रहा है। हालांकि मदन मोहन झा इस पूरे मामले को लेकर के क्या कुछ कह रहे हैं उनसे हमने बातचीत की है वो सुनिए। ज्ञापन सौंपने की बात की गई है क्या ज्ञापन हम लोग महामहिम राष्ट्रपति जी को सौंपेंगे, महामहिम राज्यपाल के माध्यम से वो जो हमारे इसराइली सॉफ्टवेयर का मामला है जिससे कि लोगों को जासूसी की जा रही है और लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा है, लोगों के व्यक्तिगत जीवन में हस्तक्षेप किया जा रहा है, इसके विरोध हम लोग आज ज्ञापन करते हैं। बिहार कांग्रेस भी लगातार आक्रामक दिख रही है कि संसद में भी कांग्रेस के भी का लगातार प्रदर्शन हो रहा है, हंगामा हो रहा है। जब जब लगेगा कांग्रेस को जनता के अधिकार पर कुठाराघात हो रहा है कांग्रेस अपना कार्यक्रम चालू करेगी। आपने ये भी संभावनाएं जताई थी कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का भी फोन टैप किया जा रहा है। निश्चित रूप से ये शंका मुझे नहीं है, ये माननीय मुख्यमंत्री जी को भी होगा इस बात की शंका, क्योंकि आप जानते हैं ये दोनों में कैसे रिश्ते हैं। कब कब है जब माननीय मुख्यमंत्री जी ने हम लोग का साथ छोड़ा था, उसके एक दिन के बाद बीजेपी से मिल के सरकार बनाए थे, अब उन्होंने किस दबाव में बनाया था इसका तो जवाब हम नहीं दे सकते हैं, लेकिन वो टारगेटेड नहीं होंगे ये सोचने वाली भी बात नहीं। अब क्या ज्ञापन में क्या कुछ रहेगा जो आपने सौंपेंगे ये तो ज्ञापन देने के बाद हम आपको बताएंगे। चलिए, बिहार प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन झा हमारे साथ थे और बिहार कांग्रेस आक्रामक है और लगातार जो है प्रदर्शन हो रहे हैं और ज्ञापन भी आज राज्यपाल को सौंपा जाएगा। आगे आपको दूसरी तस्वीरों में जुड़ेंगे और बताएंगे।